हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रहा है 5:30 और बस अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपनी एक वीडियो डाली है, सैटरडे प्लस संडे का व्लॉग। व्लॉग एक्चुअली छोटी छोटी क्लिप्स थी जो मैंने डाली थी। तो अभी मतलब आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, इतने पॉजिटिव और इतने अच्छे कमेंट आ रहे थे, मेरा मतलब मन हुआ कि मैं तुरंत एक व्लॉग और अपना स्टार्ट करूं। आप सब लोगों को ये थैंक यू नोट बोलते हुए कि सच में आप लोग बहुत मायने रखते हैं मेरी लाइफ में। आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो मुझे इतनी एनर्जी मिल गई है, इतना मैं बूस्टअप हो चुकी हूँ इस चीज़ से कि अब मैं फटाफट एक व्लॉग और स्टार्ट कर रही हूँ अभी से। तो अभी हो रहा है 5:30 और सिद्धार्थ के पापा जो हैं, और सिद्धार्थ पियानो क्लासेस से वापस आ रहे हैं, तो हमने एक्चुअली उसकी पियानो क्लासेस जो है वो चेंज कर दी है, कहीं और उसका एडमिशन करवा दिया है जहाँ पे वीक में एक बार बस क्लास देते हैं। थोड़ा उसको प्रॉब्लम भी हो रही थी डेली डेली क्लास अटेंड करने में, उसका शेड्यूल बहुत ज़्यादा मतलब व्यस्त हो जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा वो बिज़ी हो जाता था अपने शेड्यूल में, और उसको ना खेलने का भी टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि 2 बजे तक तो वो स्कूल से आता था, उसके बाद उसका खाना पीना होमवर्क और सारा कुछ करने के बाद 6 बजे फिर उसको जाना पड़ता था। 7 o'clock जब वो लौट के आता था तब उसके सारे फ्रेंड्स वगैरह, क्योंकि छत पर जाता है खेलने के लिए तो फ्रेंड्स वगैरह सारे चले जाते हैं क्योंकि रात होने लगती है, तो इस वजह से उसका खेलना भी नहीं हो पाता था, तो इस चीज़ से वो काफ़ी फेडअप रहता था। तो इसीलिए हमने एक दूसरे इंस्टीट्यूट में बात की थी और वहाँ हमने एडमिशन करवा दिया। वहाँ पे वीक में बस एक बार क्लासेस होती हैं, तो वो शायद इसके पापा करवाएं हमेशा या मैं करवाऊँ, जैसे भी है हम दोनों आपस में मैनेज कर लेंगे। पर अब उसको जो है इतना हैक्टिक शेड्यूल नहीं होगा, क्योंकि मैं पियानो की जो क्लास है ना उसकी ऐसी नहीं रखना चाहती हूँ कि वो उसको बर्डन समझने लगे। मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई के साथ वो हंसते खेलते पियानो कीबोर्ड सीख रहा है। वो पियानो नहीं है, ये पियानो जो वो बड़ा सा होता है उसको पियानो बोलते हैं, ये कीबोर्ड होता है, पर हमेशा मुझसे मेरे पियानो ही निकलता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो कीबोर्ड सीख रहा है ये बस हंसते खेलते एक गेम के रूप में सीख ले, किसी तरह का बर्डन महसूस ना करे। तो बस इसीलिए हमने उसका जो है इंस्टीट्यूट है वो शिफ्ट कर दिया है। और ये सारा काम है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अभी मुझे सेटल करनी है, ये ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और अभी मैंने जो है अपना व्लॉग डाला है तो अभी लैपटॉप भी ऑन है और बस मैं आप लोगों के सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर रही थी। और घर अभी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में तो नहीं है, बुरी कंडीशन क्या होती है आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। मतलब इतनी बुरी कंडीशन कि हमने सुबह से लेकर शाम तक खड़े खड़े बिता दिया, घर में बैठने की जगह नहीं थी। एक्चुअली 2 रूम का घर है और जो हमारे पेंटर थे उन्होंने बहुत ही मतलब काम उन्होंने अच्छा किया, पर सिस्टमेटिक उस वे में नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि सारे घर को एक ही साथ लपेटे में ले लिया, मतलब ये नहीं कि वो पहले हमारा बेडरूम क्लियर कर देते। तो एक दिन हमारा बेडरूम क्लियर हो जाता तो हम दूसरे रूम में बर्डन होता, तो हम तब तक बेडरूम की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो है वो स्टार्ट कर देते। उन्होंने क्या किया, एक कोड उन्होंने ड्राइंग रूम में मारी, फिर उन्होंने बेडरूम खाली करने को बोला, फिर बेडरूम में कलर किया, तो 3 के 3 दिन हमारा ड्राइंग रूम और हमारा बेडरूम दोनों जो है वो इंगेज हो गया एकदम। मतलब ना यहाँ जगह थी ना वहाँ जगह थी। रात को सोने के लिए हमें स्पेशली बेड लगवाने पड़ते थे उनसे, क्योंकि ये बेड उन्होंने इसके ऊपर रख लिया था और उसके बाद वो लोग काम कर रहे थे, क्योंकि फिर रूम में ना सीढ़ी लगाने की भी जगह नहीं थी। अगर बेड हम लोग ऐसे ही छोड़ देते तो बेड पूरा खोला गया था और उसको एक के ऊपर एक रख के फिर काम हो रहा था, तो हमें डेली रात को बेड बनवाना पड़ता था और फिर हम सोते थे और फिर डेली सुबह फिर से बेड वैसे ही एक के ऊपर एक करके रखना पड़ता था। तो आज 4th day है, आज भी सुबह वो किचन में थोड़ा सा काम करके गए हैं और दोनों रूम तो क्लियर हो चुके हैं, किचन थोड़ा सा बाकी है, किचन में अभी एक कोड और लगना है। तो मैं पूरा जो है ना रूम टूर तो नहीं करूँगी मैं, पर आफ्टर कलरिंग के बाद मेरा घर कैसा लग रहा है ये मैं शूट करके डालूंगी। मे बी नहीं, आज नहीं डालूंगी, आज मेरा घर बहुत गंदा पड़ा है, मैं कल शायद ये शूट करूं क्योंकि कल तक तो मैं ये क्लियर कर लूंगी। और अभी मैंने पर्दे वगैरह भी हटाए हुए हैं, ड्राइंग रूम में भी थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ अभी पड़ी हुई हैं, अभी अभी बहुत काम बाकी है। एक्चुअली ये जो छोटा मोटा ऊपर का काम होता है ना ये सब बाकी है, ये सारी चीज़ें अभी ऐसे हैं। बहुत सारे मैंने कपड़े धोए हैं, लगभग 7-8 bucket कपड़े इकट्ठे हो गए थे, मतलब जो मेरे धुले कपड़े थे उन पे भी धूल आ गई थी क्योंकि जब तोड़ फोड़ का थोड़ा बहुत काम हुआ था तो उसमें जो कपड़े धुले थे उनके ऊपर भी धूल आ गई थी। तो
जबरदस्त कपड़ों की धुलाई हुई है कल रात को। कल रात को हमने 12 बजे तक जग के दोनों रूम का जो भी सामान वगैरह था, मोटा मोटा सामान, उनको हमने उनके प्लेस पे कर दिया था। बाकी की जो क्लीनिंग है वो भी चलेगी, 10-15 दिन थोड़ा थोड़ा करके मैं करूँगी। तो अभी मैंने इतने दिनों से वीडियो नहीं डाली थी, तो इसलिए सबसे पहले आज वीडियो का काम करके उसको अपलोड किया है। एक वीडियो और है जिस पर मैं काम कर रही हूँ, प्रोबेबली वो कल मैं उसको पोस्ट कर दूँगी। तो अभी सेठ और सिद्धार्थ के पापा दोनों आने वाले हैं, तो उनके लिए मुझे नाश्ता बनाना है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला है। तो चाय और उसके साथ में मैं स्नैक्स बनाने जा रही हूँ। कुछ मेरे फैंस जो हैं वो पूछते हैं कि आप सिद्धार्थ के पापा क्यों बोलते हैं, हस्बैंड क्यों बोलते हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं। एक्चुअली मैंने शुरू से अपने हस्बैंड का कभी नाम ही नहीं लिया, मुझे नहीं पता इसका रीज़न क्या है। मुझे किसी ने मना भी नहीं किया लेने के लिए कि मेरे लॉज ने मना किया हो या मेरे हस्बैंड ने मना किया हो, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना वो मेरा नाम लेते हैं ना मैं उनका नाम लेती हूँ। पता नहीं, मैं उनको सुनो करके बुलाती हूँ, वो भी मुझे सुनो बोल के, मतलब हमें एक दूसरे को अगर बुलाना होता है तो हम बोलते हैं सुनो बस, और हम सुन लेते हैं। तो मतलब नाम लेने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी शादी के। मतलब मेरी शादी को ना 11 साल होने वाले हैं, फरवरी में मेरी शादी को 11 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 11 ईयर्स। 2008 में हमारी मैरिज हुई थी फरवरी में, तो 11 साल होने वाले हैं शादी को। पर 11 सालों में हमने कभी भी एक दूसरे का नाम लेने की ज़रूरत महसूस नहीं पड़ी, और मेरे हस्बैंड भी आज तक मेरा कभी नाम नहीं लेते हैं, वो बस सुनो करके मुझे बुलाते हैं, मैं सुनो करके उन्हें बुलाती हूँ। थोड़ा सा वियर्ड है पर यही है, मुझे नहीं पता ये क्यों है। जबकि मेरी जो जेठानी जी हैं, मतलब वो उनकी शादी मेरे से 3 ईयर्स पहले हुई थी, हाँ उनकी शादी मेरे से 3 साल पहले हुई थी, लेकिन वो मेरे जो जेठ जी उनका नाम लेती है पर मैं नहीं लेती। मुझे नहीं पता क्यों नहीं लेती, पर शुरू से ना ऐसी आदत पड़ गई, और जब एक बार वो शुरू के कुछ दिनों में आदत पड़ जाती है तो वो रहती है हमेशा, फिर आप उसको चेंज करने में हेजिटेट होते हो। शायद यही वजह है कि अब हम उसे चेंज नहीं कर पा रहे। तो बस ये था, मतलब कुछ फ्रेंड्स ने एक दो क्वेश्चंस मैंने पढ़े थे इस बारे में, तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ। और मैं जल्दी जल्दी इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी फ़ोन करके बोला गया कि फटाफट चाय बना दो और कुछ खाने के लिए बना दो, भूख लगी है बहुत। तो जा रही हूँ मैं, ट्राइपॉड सेट करती हूँ और आपको भी दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ खाने में। तो स्नैक्स में मैं बनाने जा रही हूँ चूरा। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो वो आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने एक 3 इजी स्नैक्स वाली वीडियो मैंने एक बनाई थी, उसके अंदर मैंने रेसिपी डाली है। आज हम पेंटिंग करने जा रहे हैं। यह है मेरा रोलर, यह है मेरा पेन ब्रश, इसमें मैं टेक्सचर में येलो कलर है, तो ये जाके हम छत पर अच्छे से पेंट करेंगे। तो अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सैटरडे मॉर्निंग टाइम हो रहा है 11 o'clock, और हमारे जो है मिस्टर पेंटर जो है वो रेडी टू गो हैं छत पे जाने के लिए। अभी सो के उठे हैं और इनको पेंटिंग का इतना भूत सवार है कि इन्होंने अंकल से बोल के ये पेंट बचवाया, रोलर इन्होंने उनको ले जाने नहीं दिया, और ये जो मेरी दूसरे पेंट की ब्रश थी जो मैं घर पे रखती हूँ वो गंदी करवाई इन्होंने, और ये मिस्टर पेंटर जा रहे हैं आज छत पे पेंटिंग करने। जा रहे हैं, चलो ठीक है, चलो छत पर चलते हैं। मिस्टर पेंटर इज़ रेडी टू पेंट। भैया अच्छा कलर करना, नहीं तो पैसे नहीं दूंगी मैं। सूखा हुआ है। भैया अच्छा करना पेंट, भैया देखो इधर, भैया पेंट अच्छा करना, भैया इधर से देखो छूट गया। पैसे नहीं दूंगी मैं। कितने पैसे लोगे भैया इसके?
₹100 पूरी छत पे। बड़ा सस्ता पेंटर है भाई, क्योंकि मेरे पास ₹100 तक नहीं है। तुम्हारे पास ₹100 तक नहीं है, ये से ज्यादा है ना, मुझे करना चाहिए। और काम है क्या? कुछ नहीं है, यही काम मिला है, यही काम है। ना तुम्हारे पास काम है ना तुम्हारे पास पैसे है, कैसे पेंटर हो तुम? स्माइल मिस्टर पेंटर। देखो आप सबको बोल दो कि जिसको जिसको पेंट करवाना हो ₹100 में पूरी छत कर दोगे। बोलो सबको, बोलो पहले ना, तब उसको पेंट करा, इधर इधर देख, उसको पेंट कराना, उसको ₹100 में कर दूंगा। और घर कितने में पेंट करोगे? घर पूरा बड़ा वाला ₹300। तो सिद्धार्थ 300 में तो घर पेंट कर देगा, ₹100 में छत पेंट कर देगा। तो जिस जिसको पेंट करवाना है इसको कॉन्टेक्ट करें, इसकी इस छोटी सी ब्रश को और इस छोटे से मग्गे को कांटेक्ट करें। सारा रिस्क आपका अपना होगा, मेरा कोई रिस्क नहीं है ना इसका कोई रिस्क है। सारा अपना अपना रिस्क है ना सिद्धार्थ। तो अब ये पूरा जब हो जाएगा तो हमको इसमें रोलर करना है, रोलर से असली फिनिशिंग आती है। तो आज रात तक सारा हो जाएगा काम, आज रात तक निपटा दोगे भैया? हाँ भैया, छोटे से ब्रश से और छोटे छोटे हाथों से आप आज रात तक कैसे निपटाओगे काम? पूरा सूख जाएगा। करो सही से, हो जाने दो मम्मा, तो जल्दी मत रखो। माँ काम तो बहुत देर होगा। तो आज बनाया है मैंने ये कढ़ाई पनीर, सुबह सुबह हस्बैंड को टिफिन में यही दिया है, और पराठा। तो ये कढ़ाई पनीर, और ये भी सिद्धार्थ का ब्रेकफास्ट है। सीधे बैठो। तो जब से पेंटिंग वगैरह का काम हुआ है उसके बाद से मैंने मंदिर अभी अरेंज नहीं किया है, मतलब अभी कल ही फिनिश हुआ है पेंटिंग का काम। तो आज मैं भी मंदिर अरेंज करने जा रही हूँ, और पूजा की जगह हम लोग बस प्रणाम कर ले रहे थे भगवान को, क्योंकि मैंने भगवान निकाल के रख दिए थे, पर अब मैं अच्छे से अरेंज करने जा रही हूँ ताकि, तो मैं बस मंदिर अरेंज करने जा रही हूँ। क्या बना रहे हो सिद्धार्थ? पार्क बना रहे हो? सिद्धार्थ बना रहे लेगो से पार्क, और हम बनाने जा रहे हैं खाना। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मॉर्निंग में मैंने बनाया था कढ़ाई पनीर, तो कढ़ाई पनीर की ग्रेवी बहुत ज्यादा बन गई थी। हाँ चाप भी बना रही, इसको चाप भी बहुत पसंद है।
तो ये इतनी जो है वो कढ़ाई पनीर की मेरी ग्रेवी बची पड़ी है। तो चाप जो है वो इतने मेरे पास चाप पड़े हैं, तो इनको मैं बॉईल करके पहले फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं उसमें ऐड कर दूंगी। तो बस खाने में यही है, और रोटी और राइस मैंने दोपहर में बनाया था तो वो रखा है, तो थोड़ी सी रोटी भी हो जाएगी और राइस भी हो जाएगा, और चाप मैं बना रही हूँ वो भी हो जाएंगी। तो एक्चुअली ये जो सारे नीचे कैबिनेट्स हैं, मतलब ड्रॉअर्स हैं, तो इन ड्रॉअर्स को निकाल के और इनके अंदर भी पेंट किया गया था, तो निकालने में इन दोनों ड्रॉअर्स के जो चैनल्स होते हैं साइड साइड में, जो चैनल्स होते हैं जिनसे ये ओपन और क्लोज होता है, वो चैनल इसका और इसका, इन दोनों के चैनल्स जो हैं वो टूट गए, ख़राब हो गए। तो अभी ये चैनल बनवाने हैं, तो ये तो थोड़ा बहुत काम कर रहा है, फिर भी ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा, देखिए एकदम टेढ़ा हो गया। तो मेन जो मेरे बड़े बर्तन आते हैं सारे, वो इसके अंदर आते हैं, तो ना ये खुल रहा है ना बंद हो रहा है, तो इसकी वजह से मुझे बर्तन जो हैं ये ऊपर अपने स्लैब पे ही सारे रखने पड़ रहे हैं। तो अभी बहुत मतलब हालत ख़राब चल रहा है, क्योंकि कुछ भी संभालने में मुझे लगता है 1 वीक पूरा चला जाएगा। और इसको खींचा तानी में, ये देखिए इसके जो ये सरमाइका है ये भी दोनों टूट गई। तो कल संडे है, तो कल जो है हस्बैंड ये सारा काम करवा देंगे, शायद करवा देंगे वैसे, क्योंकि उनको भी लास्ट जो है कितने दिनों से आराम ही नहीं मिला है, या तो सैटरडे संडे कहीं हम लोग बाहर होते हैं या कुछ ऐसे ही चलता आ रहा है, तो आराम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं कल ये काम हो जाए अगर, तो मुझे बर्तन रखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्लैब पे मैं इतना सारा जो है क्लटर नहीं रख सकती हूँ, बहुत बुरा लगता है। और ये चाप के बारे में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि चाप कहाँ पे मिलता है। तो मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में चाप के बारे में डिटेल बता चुकी हूँ। ये एक्चुअली सोया बीन्स से रिलेटेड प्रोडक्ट होता है, जैसे हमारी सोया चंक्स आते हैं ना, वो सोया का ड्राइड वर्जन है और ये वेट वर्जन है, मतलब गीला आप सोया समझ लीजिए। तो ये इस तरीके से ये जो स्टिक है ये आइसक्रीम की स्टिक है, तो इसके अंदर ये इस तरीके से लपेटा हुआ आता है, ये इस तरीके से लेयर्स में लपेटा हुआ होता है, ये लगता है चिकन की तरह पर प्योर वेजिटेरियन है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये ना डेरीज पे मिलता है, जो भी दूध की डेरीज होती हैं जहाँ दूध दही पनीर मटर वगैरह मिलती है, वहाँ पर इजीली अवेलेबल होता है। और इसमें अब तो शायद बंद हो गए हैं, कहीं मिले ना, लेकिन इसमें ना पहले कलर वाला आता था, ऑरेंज कलर वाला, वो नहीं लेना चाहिए, तो कलर जो है वो बहुत नुकसान करता है। तो आप चाहें तो इसको पूरा का पूरा स्टिक के सहित बना सकते हैं, तो बिल्कुल चिकन वाला लुक आएगा, बट मैं इससे इसको सेपरेट कर देती हूँ और छोटे छोटे पीसेस पे काट लेती हूँ। तो पहले मैं इसको ऐसे उबालती हूँ, और उबालने के बाद मैं इसको सेपरेट करती हूँ, बिल्कुल आइसक्रीम लग रहा है। तो अब ये चाप बची हुई थी, तो मॉर्निंग में मैंने आज पनीर बना लिया, इस टाइम चाप बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में एक सब्ज़ी नहीं है, आलू भी शायद एक दो पड़े होंगे, आलू भी नहीं है, प्याज है, टमाटर हैं, लेकिन सब्ज़ी कुछ भी नहीं है, मतलब जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, और हमारा बिल्कुल भी सब्ज़ी के बिना गुजारा नहीं चलता है, हर मील में चाहिए होती है सब्ज़ी, क्योंकि वेडनेसडे के दिन भी काम चल रहा था, तो मैं कुछ भी मार्केट वगैरह जा ही नहीं पाई। तो अब कल संडे है, तो संडे की मैं मार्केट करूँगी कल, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ शॉर्ट है घर में, सब कुछ लेकर आना है, तो बस इसीलिए पनीर चाप ये सब चल रहा है। इनको मैंने ठंडा करके फिर दो पानी से वॉश कर लिया है, और ऐसे छोटे छोटे पीसेस में इनको कट कर लिया, मैं इनको फ्राई करूँगी। तो मैं सरसों के तेल में कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी और तेल को भी यूज़ कर सकते हैं।
चाप की जो सब्जी है वो बिल्कुल डन है, बन चुकी है। थोड़ा सा मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया था। और यहाँ पे मैं जो राइस पड़े हुए हैं उनको मैं ज़ीरा राइस बना रही हूँ। तो थोड़े से आधे चम्मच घी में मैंने यूज़ किया है एक लौंग, एक इलायची और उसके साथ शाही ज़ीरा यूज़ किया है। तो शाही ज़ीरा क्या होता है, शाही ज़ीरा स्प्लिट करके बनाया जाता है ज़ीरा को, तो वो राइस वगैरह में पड़ता है और बहुत अच्छा लगता है। तो वो मैंने आधा चम्मच लिया है और जो मेरे लेफ्ट ओवर राइस थे उनको मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा जो है सॉल्ट डालूंगी। और इस तरीके से बने हुए राइस बहुत अच्छे लगते हैं, अगर लेफ्ट ओवर बच जाता है तो उसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये बन गए हैं और बस थोड़ी सी मैं रोटियां सेक लूंगी और डिनर का काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी हो रहा है 9 o'clock और आज हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। मतलब जो रास्ता 10 मिनट्स में कवर होने वाला था वो 1 घंटे में कवर हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गए। तो आते ही तुरंत खाना खा लिया क्योंकि भूख लगी हुई थी, उन्होंने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया और थोड़ा सा तीखा हो गया चाप, तो अभी तक मिर्ची सी हो रही है मुँह में। और तो बस इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।